तो अगर आप भी BSNL का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो भाई BSNL में 4G नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। पहले उतना इशू नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई थी जिसमें मैंने BSNL से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। बट अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, BSNL का जो 4G नेटवर्क है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। बस कुछ ही जगह पे अवेलेबल है जहाँ पे जो है 4G पकड़ता है। ठीक है, अब हमारे एरिया में भी 4G लगा हुआ है और 4G डेफिनेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। अगर मैं घर के बाहर जाऊँ, घर के बाहर का मतलब छत में जाऊँ, तो यहाँ पे 4G बिल्कुल आता है, शो करता है, चलता भी प्रॉपर तरीके से, स्पीड भी अच्छी खासी आती है, 3 से 4 Mbps की स्पीड मिल जाती है। लेकिन पहले जो है घर के अंदर जहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है ना, अभी आप देख सकते हैं जिस जगह मैंने मोबाइल रखा है, इस जगह भी BSNL का नेटवर्क आता था। लेकिन भाई पता नहीं क्या हो गया, कुछ समय से मतलब 1 वीक से जो है BSNL का 4G नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को भाई आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और भाई जो लोग ये कहते हैं कि भाई BSNL का 4G अभी तक आया नहीं है, या फिर बहुत लोगों का ये रहता ना कि भाई अभी तक लॉन्च नहीं हुआ या फिर आया नहीं है, यहाँ पे कैसे पकड़ रहा है, तो भाई मैंने आपको डिटेल में डिस्कस भी किया है और मैं आपको भी लाइव प्रूफ के साथ भी दिखा दूंगा भाई 4G किस तरीके से आना है, मतलब 4G का जो प्रॉब्लम है उसको भी कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी आ जाएगा। अभी देखिए ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, ऊपर ना ई आ रहा है ना 4G आ रहा है, लेकिन वो भी मैं दिखा दूंगा। देखो कई भाई लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई पता नहीं भाई ये वीडियो में कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ पता नहीं 4G पकड़ता भी है नहीं पकड़ता, उसका भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं BSNL यहाँ पे ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, BSNL का सारा का सब कुछ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको फ्लाइट मोड में एक बार इंगेज कर देता हूँ और उसके बाद हम देख लेते हैं भाई नेटवर्क आता है या फिर नहीं आता। ठीक है भाई, 4G नेटवर्क की प्रॉब्लम डेफिनेटली कई जगह है, ठीक है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। और अभी भी 4G इंस्टॉल हो रहा है, मे बी अब फ्यूचर में अगर सभी जगह प्रोवाइड हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी टीम बहुत जल्द वर्क भी कर रही है, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी ना कई जगह पे जहाँ पे नेटवर्क इंस्टॉल हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉब्लम हमको जनरेट देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे फ्लाइट मोड। ठीक है, अब देखते हैं 4G आता है कि नहीं आता। देखो भाई 4G आ चुका है, ठीक है, ये देख सकते हैं भाई प्रूफ के साथ देख सकते हैं। ठीक है, 4G आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 4G चल रहा है, ये देख सकते हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई यार ये तो चल रहा है, नीचे BSNL का आप देख सकते हैं ये लिखा भी हुआ है। ठीक है भाई, BSNL कॉलिंग डेटा वगैरह सारा BSNL में है, कोई दिक्कत नहीं है, 4G मेरे उसमें आ रहा है। लेकिन अभी क्या है ना भाई, इसमें दिक्कत ये ना कि भाई फ्लाइट मोड में जब आप डिवाइस को डालेंगे तभी जाके ये 4G आ रहा है। पहले क्या होता था, ऑटोमेटिक ये मतलब 4G आ जाता था, लेकिन इस समय बीच में मतलब अभी मुझे 1 वीक से ही ये प्रॉब्लम लगेगी कि 4G डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है, 4G आने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब कि जैसे फ्लाइट मोड में डालना होता है या फिर 2G को 4G करना पड़ता है, 4G को 2G करना पड़ता है, 3G करना पड़ता है, एंड 4G पे वापस LTE पे चूज़ करना पड़ता है, तब जाके कहीं आता है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं 4G आ तो रहा है भाई, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स भी करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपनी एक वीडियो को, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट सर्च करता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं भाई चल भी रहा है बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहुत लोगों को लगता है कि हाँ कि BSNL जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता नहीं कैसा क्या है, तो मैंने आपको वो भी डिस्कस कर ली है। और भाई रिस्पॉन्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मिल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्केबल है, एक ही बार में मतलब कोई वीडियो आप प्ले करते हैं तो एक ही बार में ओपन होती है, चलता बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, देख सकते हैं ये भाई आवाज़ को देख सकते हैं। ठीक है, ये आराम से चलता है। और क्वालिटी में अगर आपको दिखाऊं तो भाई क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी भी अगर मैं आपको यहाँ पर क्लिक करूं तो क्वालिटी एडवांस में क्लिक करता हूं, एडवांस में भाई HD कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ का हो जाए। देख सकते हैं ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं स्पीड मतलब ठीक चल रहा है, नीचे प्लेइंग भी बढ़िया हो रहा है, बिना बफरिंग के ये चल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आराम से चल रहा है। ठीक है, वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है ठीक है भाई, लेकिन तब भी कुछ अभी प्रॉब्लम है। अब मैं भी देखो कब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, आप बताइएगा आपके यहाँ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों होपली ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी और आप भी अपना कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।